आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आज से बड़वाह में वार्ड वाइज लंपी वायरस के टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ। टीकाकरण में सहयोग के लिए आगे आने लगे हैं गौ भक्त, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी। आज वार्ड नंबर 4 में होगा निजी लावारिस सभी गोवंशों का संपूर्ण टीकाकरण। ऐसे समय में जब प्रदेश में लंपी वायरस का कहर हमारी गोमाताओं के जीवन पर भारी संकट लेकर आया, ऐसे में बड़वाह नगर के युवा गोभक्तों की टीम पिछले कई दिनों से शहर की सड़कों और मोहल्ले में घूम रही गायों, बैलों और बछड़ों को देर रात तक टीकाकरण कर गोमाताओं को लंपी वायरस से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़वाह शहर में टीकाकरण की शुरुआत करने वाले इंजीनियर हिमांशु जैन के साथ विगत 10 दिनों से गोभक्त अखिलेश खंडेलवाल, सोनाली पवार, यश राणा, यश पाटिल एवं निमित बंसल की पूरी टीम रात को 12 बजे तक सड़कों पर बैठी लावारिस गायों को टीकाकरण का काम कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में शासकीय पशु चिकित्सक डॉक्टर बघेल, डॉक्टर सैप्टा, डॉक्टर मंडलोई, डॉक्टर सैते एवं डॉक्टर वर्मा का निरंतर सहयोग मिल रहा है। अब शहर में प्रारंभ होगा वार्ड वाइज टीकाकरण का महाअभियान। युवा इंजीनियर हिमांशु जैन द्वारा चलाए गए अभियान के बाद अब नगर के अनेक समाजसेवी और जनप्रतिनिधि टीकाकरण में आ गया है। नगरपालिका के गोभक्त अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने जहां अपनी ओर से 300 गायों के टीकाकरण की घोषणा की, वहीं वार्ड 9 की पार्षद श्रीमती रजनी दिलीप भंडारी द्वारा 60, वार्ड 15 के पार्षद प्रतिनिधि श्री विजय सोनी तथा समाज सेवी तथा आचार विचार संस्कार के श्री अशोक जैन के परिवार की ओर से 125 गायों को वैक्सीनेट करने की घोषणा की गई। समाज सेवियों द्वारा मिल रहे प्रतिसाद से उत्साहित होकर अब आज से पूरे बड़वाह शहर के गोवंशों को निःशुल्क वैक्सीनेट करने का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज शाम 5 बजे वार्ड नंबर 4 से होगी। गौभक्त इंजीनियर हिमांशु जैन, अखिलेश खंडेलवाल ने बताया, आज प्रारंभ किए जा रहे महा टीकाकरण अभियान का उद्देश्य यही है कि बड़वाह शहर में एक भी गोवंश बिना टीकाकरण के नहीं रहे। टीम की प्रेरणा से न केवल बड़वाह शहर में बल्कि अब काटकूट, बलवाड़ा, मुख्तियारा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाज सेवियों की मदद से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। कल काटकूट क्षेत्र में विभिन्न गौशालाओं एवं गोवंशों में बड़े स्तर पर टीकाकरण किया गया, जिसमें पशु चिकित्सक डॉक्टर वर्मा का विशेष योगदान रहा। उनके साथ गौ भक्तों की टीम के साथ ही दिनेश जाट भी मौजूद रहे। आधी रात तक भी सेवा में तैयार रहते हैं बड़वाह के पशु चिकित्सक। जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा, चिकित्सकों ने मरीजों को ठीक करने के लिए दिन रात प्रयास किया, उसी तरह लंपी वायरस से गोवंश को मुक्त बनाए रखने के लिए बड़वाह ब्लॉक के पशु चिकित्सकों ने सेवा की। जो मिसाल दी वो वास्तव में प्रशंसनीय है। जब भी हमने लंपी ग्रस्त गायों का इलाज कराने या टीकाकरण के लिए चिकित्सकों को याद किया, वे दौड़कर चले आए। शासन से टीके उपलब्ध नहीं और निजी टीकों की भी हो रही किल्लत। भले ही हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रदेश में मुफ्त टीकाकरण की बात की हो, लेकिन धरातल पर शासन द्वारा भेजे जा रहे टीकों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। अभी तक पूरे बड़वाह ब्लॉक में, जिसमें बड़वाह, सनावत, बेड़िया सहित सभी 114 पंचायत के गांव हैं, उनके लिए केवल 990 गायों की डोज मिली, वो भी केवल सरकारी गौशालाओं के लिए। ऐसे में समाज सेवी आगे आए, लेकिन लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते अब निजी टीकों के लिए भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानियां हैं। लेकिन हमारी टीम पूरी तरह उत्साहित है। जैसे जैसे टीके मिलते जाएंगे, पूरे शहर में वैक्सीनेशन करने का अभियान जारी रखेंगे। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आपने अभी तक कितनी गायों का वैक्सीनेशन कर दिया है और आपका उद्देश्य क्या है, थोड़ा स्पष्ट करें। हमारा उद्देश्य तो यही कि जो लंपी वायरस फैला हुआ सभी जगह, इस लंपी वायरस को हम बड़वाह में आने से रोकें या बड़वाह की गायों को इतना सेफ कर दें कि इन पर लंपी वायरस का अटैक नहीं हो। अभी हम 5-6 दिन से लगातार वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हम डेली 30-35 गायों का इससे डेली होता है, तो हम रात में रोज 30-35 गायों का रोज वैक्सीनेशन करें, और कभी 5 दिन में 150 के आसपास गायों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अभी व्यवस्था हमारी तरफ से हिमांशु जी जैन कर रहे हैं, इनकी तरफ से वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हो रहा है, और हम लोग, हमारी पूरी टीम है, मैं हूँ, यश राणा है, यश पाटिल है, निमित बंसल है, हिमांशु जैन साथ में, हम सभी मिलकर गायों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो अभी लगभग आप वार्डों के अनुसार कर रहे हैं या वार्डों के अनुसार? हम लोग वार्डों के अनुसार भी करेंगे। अभी तो हम लोग किसी भी एक एरिया का चुनाव कर लेते हैं और वहाँ पर जो भी गाय मिलती है उनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और मैं बड़वा के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, हम जिनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनके सिंग पर लाल रेडियम लगा रहे हैं या पूँछ पर भी हम लाल रेडियम बांध रहे हैं। तो आप जिन गायों के सिंग पर या पूंछ पर लाल रेडियम लगा है, उन गायों को दोबारा वैक्सीनेट नहीं कर, उनको वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, बड़ा ही उत्तम कार्य कर रहे हैं आप सभी, धन्यवाद के पात्र हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।